नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं पांच बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। यहां एक परिवार का दावा है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद उनके परिवार के बुजुर्ग सदस्य के शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। डोज लेने के बाद उनके शरीर पर चम्मच, स्टील और लोहे के बर्तन और सिक्के चिपक जा रहे हैं। इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए। इसके पीछे कोई चिकित्सीय कारण है या कुछ और, यह सच जल्द पता लगना चाहिए, इसलिए हमने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी गुरुवार को दो दिन के लिए दिल्ली रवाना हुए थे। इसके साथ ही प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। पिछले एक पखवाड़े से राजधानी में चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच योगी का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जाता है। मुख्यमंत्री के दिल्ली कूच करने के बाद से भाजपा प्रदेश संगठन और सरकार में फेरबदल की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ में पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर प्रदर्शन से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को नजरबंद किया गया है। उनके अलावा कई कांग्रेस नेताओं को नजरबंद करने की खबर है। घरों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन में जा रहे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को तानाशाही सरकार ने प्रदर्शन से पहले ही नजरबंद कर दिया। योगी जी, पुलिस के दम पर सरकार चलाना बंद करो, चाहे जितनी पुलिस लगा लो, जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राजस्थान के राजनीति में भले ही कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, मगर जमीन पर ये दिखता नहीं है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस और पायलट अलग अलग पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिन पायलट एयरपोर्ट सर्किल पर सांगानेर के पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रणबोल सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले साल उन्होंने पति निखिल जैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुलासा किया था कि दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। तब उन्होंने कहा था कि तुर्की में हुई उनकी शादी देश में अमान्य है, इसलिए तलाक लेने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब निखिल जैन ने शादीशुदा जीवन खुद परिवार पर लगाए गए नुसरत जहां के आरोपों पर बयान जारी किया है। करीब एक पेज के इस बयान में उन्होंने कहा है कि विवाद के कुछ दिन बाद ही नुसरत का रूप बदल गया और वह देश में शादी रजिस्टर कराने से हमेशा मना कर दिए। कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में कमी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को देश में 91,755 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 135,105 संक्रमित ठीक हो गए और 3,412 की मौत हो गई। ये लगातार चौथा दिन था जब नए संक्रमितों की संख्या 1,00,000 से कम रही। 10 जून को 46,514 एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कम हुई है। इसमें गिरावट का सिलसिला करीब एक महीने से जारी है। पिछली बार 12 मई को इसमें 6,399 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अभी देश में 11,18,956 मरीजों का इलाज चल रहा है। 9 मई को यह आंकड़ा 37,41,302 के पीक पर था। तो ये थे आज के हमारे पांच बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चम न्यूज़।